कैसे हो आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में। मैं हूँ प्रियंका, आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, मेंटोर। और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, क्योंकि आज हम सुनेंगे सक्सेस स्टोरी आलोक और रिचा की, प्यार की। दोस्तों, आलोक और रिचा रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले की, और रायबरेली जिले में दोनों साथ में इन्होंने बीएड की पढ़ाई कंप्लीट की। इन 2 सालों में इनका रिश्ता बहुत खूबसूरत हो गया, एक दूसरे को प्यार करने लगे। ना सिर्फ एक दूसरे को प्यार करने लगे, बल्कि एक साथ अपने जीवन को बिताने के सपने देखने लगे। यहाँ तक कि इन्होंने घर में भी ये बात बता दी थी, क्योंकि इनकी फैमिलीज बहुत ही ओपन माइंडेड थी, तो इन्होंने शादी के लिए भी हाँ कर दिया था। लेकिन बीच में फिर इनके बीच में रिश्ते में दरार आने लगी, क्योंकि आलोक को रिचा के ऊपर शक करने लगे। एक्चुअली रिचा का एक बचपन का दोस्त था जो आलोक को पसंद नहीं था, जो रिचा की हमेशा हेल्प करता था, और किसी ने आलोक के दिमाग में ये बात डाल दी कि रिचा के साथ इसका कुछ अफेयर चल रहा है। अब आलोक जो है रिचा के बारे में काफ़ी निगेटिव सोचने लगे, उसे शक की नज़रों से देखने लगे, और उसकी बेइज्जती करने लगे, उससे झगड़ा करने लगे, बात बात में उससे सफाई मांगने लगे। हार थक कर रिचा ने एक बार कह दिया, क्योंकि रिचा एक स्वाभिमानी लड़की थी दोस्तों, उसने कह दिया कि देखो मैं सिर्फ तुम्हें प्यार करती हूँ, लेकिन अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो हम साथ में जीवन नहीं बिता सकते। और ऐसा कहकर उसने आलोक से ब्रेकअप कर दिया। आलोक ने कुछ दिनों तक उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन हर जगह से उसने इन्हें ब्लॉक कर दिया था। उसके बाद रिचा की बाहर जॉब लग गई, आलोक की भी जॉब लग गई। तकरीबन 6-7 महीने बीत गए दोस्तों। उसके बाद आलोक एक दिन अपने घर आए रायबरेली वापस, तो वहाँ पर वो जो लड़का था एक शॉप पर अपनी वाइफ के साथ कुछ सामान खरीद रहा था। तो आलोक ने ऐसे उससे बात करने की कोशिश की, उसने आलोक ने पूछा कि तुम्हारी शादी कब हुई, तो उसने कहा यार मेरी शादी को तो 3 साल हो गए और मेरा एक छोटा सा बच्चा भी है। जब ऐसा सुना आलोक ने, तो आलोक का जो दिमाग था बिल्कुल ठिकाने पे नहीं रहा, उसे समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे। मैं तो उसने रिचा के बारे में पूछा, तो उसने बताया कि मेरा रिचा से अब कोई इस समय कांटेक्ट नहीं है, क्योंकि वो जॉब करने के लिए बाहर चली गई है। बट रिचा बहुत अच्छी लड़की है, बहुत साफ दिल की लड़की है, ऐसा कह करके वो लोग चले गए। अब आलोक को अपनी गलती का एहसास हुआ, और आलोक सिर पर हाथ रख कर सोचने लगा कि मैंने क्या कर दिया, अपने शक में, अपने गुस्से में अंधा होकर मैंने किसी और की बात पर विश्वास करके अपनी खूबसूरत जिंदगी को, अपने प्यार को तकलीफ पहुंचाई। हर दिन आलोक रिपेंट करने लगा। और दोस्तों कहते हैं ना, जब आप रिपेंट करते हो, जब आप सच्चे मन से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगते हो, तो यूनिवर्स आपकी मदद करता है। तो आलोक को एक जो मेरी सब्सक्राइबर है, वो आलोक की दोस्त है, उन्होंने आलोक को मेरा वीडियो देखने का सजेशन दिया। तो आलोक ने जो पहला वीडियो मेरा देखा, वो होप ऑन प्रेयर वाला वीडियो देखा इन्होंने। ये सच्चे दिल से हर दिन रिचा को लव एनर्जी भेजने लगे। जब ये लव एनर्जी भेजने लगे, तकरीबन 15 दिन हो गए, इनको बहुत अच्छा महसूस होने लगा। अभी रिचा के प्रति और ज़्यादा प्यार से भर गए, और जो अपनी गलती के लिए जो इनको गिल्ट था, वो गिल्ट भी ख़त्म हो गया। अब ये रिचा को अपनी ज़िंदगी में वापस मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे। तो दोस्तों, इन्होंने मुझे ईमेल किया था, उसमें बात की थी, तो मैंने इनसे कहा कि देखिए, तब इनकी थोड़ी डेस्परेट एनर्जी थी, बहुत ज़्यादा डेस्परेशन थी, परेशान थे। तो मैंने कहा कि देखो, आप कोर्स लेना चाहते हो, आप लो, लेकिन आप रिचा के बारे में नहीं सोचोगे, दिस इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन। अब वो समझ आए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है मैम, मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। फिर उन्होंने लव मिराकल कोर्स लिया, उसके बाद सारी चीज़ों को वो फॉलो करने लगे दिल से दोस्तों। तकरीबन 20 दिनों बाद इन्होंने मुझे फीडबैक दिया कि मैम, आई एम रियली रियली, मेरा फेथ लेवल इंक्रीज हो गया है, मेरे इमोशंस क्लियर हो गए हैं, एंड आई एम रियली फीलिंग पॉजिटिव। और द बेस्ट थिंग इज़ दोस्तों, कि जहाँ पर ये जॉब करते थे, वहाँ पर कुछ ऑफिस पॉलिटिक्स चलती थी, कुछ लोग थे, कुछ इनके कलीग्स थे जो इनके खिलाफ कुछ रूमर्स फैलाते थे, इनको परेशान करते थे, तो उन सब चीज़ों से भी इनका छुटकारा हो गया, और वो कलीग्स इनको सपोर्ट करने लगे। जब इन्होंने ये चीज़ को चेंज होते देखा, तो इनका अपनी मैनिफेस्टेशन पावर्स पर विश्वास हुआ। क्योंकि दोस्तों क्या होता है ना, जब आप अपने आप कर काम करते हो, तो आपकी एनर्जी क्लियर होती है, आपके ब्लॉक्स दूर होते हैं, और आपके भीतर वो मैनिफेस्टेशन पावर है, बस उसके ऊपर धूल जम जाती है, उस धूल को हटाना होता है। धूल हट जाती है तो आप अपने आप मैनिफेस्ट कर सकते हो।
फिर दोस्तों कुछ दिनों की बात है, तकरीबन नवंबर का टाइम था, इनके जहाँ ये रहते थे वहीं मोहल्ले में एक शादी पड़ी थी। तो ये शादी में गए, अच्छे से जान पहचान भी थी उस इंसान से। तो जब ये शादी में गए दोस्तों, तो वहाँ पर चार लड़कियाँ पहले से खाना खा रही थी और इन्हें उनमें से एक लड़की रिचा जैसी लगी। इन्होंने पीछे से देखा उसे, इन्हें लगा वो रिचा है। जब ये पास गए तो डेफिनेटली वो रिचा ही थी। रिचा अपने दोस्तों के साथ बात कर रही थी, हंस रही थी, खाना खा रही थी। एक्चुअली वो रिचा के कोई रिलेटिव भी लगते थे, तो रिचा ऑब्वियसली जब उसके रिलेशन में थे तो उसको आना ही था। अब आलोक पूरी तरह से कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से रिचा से बात हो जाए, लेकिन रिचा इनको इग्नोर कर रही थी। रिचा ने भी इनको देखा, बट सिंपली वो इनसे बिल्कुल भी बात करने के मूड में नहीं थी। लेकिन फिर भी आलोक ने कोशिश करना नहीं छोड़ा और रिचा के पास गए और रिचा से बोले कि मैं तुमसे एक बार बात करना चाहूँ, तो एक बार माफ़ी मांगना चाहता हूँ। ब्रेकअप के बाद मैंने जो फील किया, महसूस किया, मैं उस गलती के लिए तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। तो रिचा ने कहा, अच्छा ठीक है, कल हम बात करेंगे। तो रिचा ने अपना नंबर दिया। अगले दिन आलोक को सारी रात नींद नहीं आई खुशी के मारे, और सुबह ही उठ करके वो 10 बजे रिचा को फ़ोन लगाने लगे। रिचा ने इनका फ़ोन रिसीव नहीं किया। फिर थोड़ी देर बाद रिचा की तरफ से कॉल आता है और रिचा ने कहा कि हाँ बोलो क्या काम। फिर उन्होंने अपने दिल की सारी बात आंखों में आंसू लेकर कह दी और बोले कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। तो रिचा ने कहा, अब इसका क्या फ़ायदा आलोक, जो इंसान मुझ पर विश्वास नहीं करता। वही रिचा ने कहा कि अगर शादी के बाद किसी इंसान ने मेरे बारे में ऐसी बातें तुमसे कही होती तो तुम तब भी मान लेते, तुम ऐसा व्यवहार करते, और ऐसे इंसान के साथ मैं अपनी ज़िंदगी बिल्कुल बिताने के लिए तैयार नहीं हूँ। आलोक ने कहा कि मेरे भीतर बहुत सारा चेंज आया है, बहुत सारा परिवर्तन आया है, और मैं हर दिन विजुअलाइज करता था कि मैं तुम्हारे साथ लॉन्ग ड्राइव पे जा रहा हूँ, जहाँ पर हम दोनों अपने फेवरेट गाने सुन रहे हैं कार में, और मैं तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम, तुम्हें बटर स्कॉच आइसक्रीम खिला रहा हूँ। तो रिचा वॉज शॉक्ड व्हाट शी सेड, यू नो व्हाट, कि आलोक मुझे कुछ दिनों से सपने में यही चीज़ दिखाई दे रही थी कि तुम और मैं कार में बैठे हैं और आइसक्रीम खा रहे हैं, बटर स्कॉच। एंड आलोक ने कहा, देखा देखा मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ कि तुम्हारे सपने में मेरी बात आ रही है, मैं इसको विजुअलाइज करता था, हर दिन मेडिटेशन करता था। तो रिचा ने कहा, तुम और मेडिटेशन, व्हाट इज दैट। तो उसने कहा, तुम्हें नहीं पता प्यार में इंसान क्या क्या कर लेता है, मैं तो सिर्फ मेडिटेशन ही करने लगा। फिर आलोक ने सारी बात बताई, रिचा ने भी बहुत गुस्सा किया आलोक के ऊपर और सारी बातें कहीं। उसके बाद दोस्तों अगले दिन ये दोनों लॉन्ग ड्राइव पे गए। एक्चुअली इनके घर से थोड़ा सा दूर एक अच्छी सी जगह थी, तो यहाँ गए और रास्ते में बटर स्कॉच आइसक्रीम खाई, अच्छे अच्छे गाने सुने, और वो विजुअलाइजेशन पूरा हो गया। और आलोक ने रिचा से माफ़ी मांगी और आलोक ने रिचा से समय मांगा कि तुम मुझे एक मौका दो। तो रिचा ने कहा, ठीक है मैं तुम्हें एक मौका दूंगी, लेकिन अब तुम्हें एक बेहतर इंसान बनना होगा जो मेरी इज्जत करे, जो सम्मान करे, और आप दोनों साथ में हैं, दोनों बहुत खुश हैं दोस्तों। तो ये बहुत सुंदर कहानी है दोस्तों, जो हमें बताती है कि अगर ये निगेटिव हो गया तो यहाँ पर निगेटिव होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि दिस इज़ अ मिरर, आउटसाइड इज़ अ रिफ्लेक्शन, योर इनर वर्ल्ड क्रिएट्स योर आउटर वर्ल्ड। आउटर वर्ल्ड में अगर आप कुछ भी फिक्स करो तो फिक्स नहीं होगा जब तक आप यहाँ फिक्स नहीं करोगे। आपको अपनी एनर्जी पर काम करना, अपने ब्लॉक्स पे काम करना, अपनी निगेटिविटी को हील करना है, क्लियर करना है, ट्रांसम्यूट करना है। सो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, नमस्ते।